आम आदमी पार्टी दिल्ली से लोकसभा कैंपेन की शुरुआत करेगी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोपहर 12 बजे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान आप पंजाब के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। तो बड़ी खबर आज दिल्ली में, आम आदमी पार्टी अपने लोकसभा कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। ठीक दोपहर 12 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी होंगे और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वरुण का। वरुण, जरा बताएं दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कोई बड़ी घोषणा है? क्योंकि ये तो तय हो गया था दिल्ली में मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है एक लोकसभा कैंपेन को लेकर और पंजाब में? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अगर लोकसभा चुनाव में जाना है तो अपने मुद्दों को सामने रखना होगा। तो पहली बात, आपको याद होगा कि हमेशा पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल, इसी बात को अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान लोगों के सामने रखते नजर आए हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी इसी मॉडल को आगे रखा जाएगा कि अगर सीटें अर्जित होती हैं, अगर हम लोग जीतते हैं, तो हमारा जो मॉडल है वो हमने पहले से पेश किया हुआ है, और उसी शिक्षा के आधार पर, उसी मोहल्ला क्लिनिक के आधार पर, उसी तमाम सुविधाओं के आधार पर हम जनता के बीच जाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात निकल के आती है कि इस कैंपेन को, क्योंकि आप इंडिया अलायंस के साथ हैं और इंडिया गठबंधन में आपको तय करना हो कि कांग्रेस के साथ मिलकर किस तरीके से तालमेल को आगे बढ़ाना है, तो पहली रूपरेखा आज यह है कि आज से मेगा कैंपेन शुरू कर दिया जाएगा। लगातार दिल्ली की जो 70 विधानसभा है, जो 7 सीटों को जोड़ती है संसदीय क्षेत्रों को, उसमें कैसे कैंपेन को बढ़ाना है, तो विधायकों को कहा गया है कि वो डेली जनसभाएं करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर करीब 60 से ज्यादा जो है वो रैली करेंगे। पंजाब जाएंगे, वहां पर करीब जो है वो 25 से ज्यादा रैली उनको करनी है। गुजरात जाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत दिल्ली, जहां से सत्ता हासिल करी, जहां से तमाम क्षेत्र में जो है वो अपने परचम को फहराया आम आदमी पार्टी में। इसलिए दिल्ली इस बार आम आदमी पार्टी चाहती है कि कैसे भी करके इसको अधिकार अपने क्षेत्र में लाया जाए, और क्योंकि दिल्ली में सरकार है विधानसभा में, तो ऐसे में लोकसभा में सीटों को अर्जित करने के लिए रणनीति पर काम करने की पहले से रणनीति तय की जा रही थी।